हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं हूं असली बिहार पाकिस्तानी रैपर। सो हमने लास्ट कलमिंग की एल्बम पे रिएक्शन किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। सो मुझे अभी कमेंट आया कि ब्रो कलमिंग का वीडियो के साथ गाना आ चुका है, फेम टॉक सोर्स पे रिएक्शन करें। सो दोबारा से सुनते हैं गाने को और देखते हैं गाने की वीडियो कैसी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है गाइज थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए यार, क्योंकि बहुत आप लोग प्यार दे रहे हैं। और कमेंट्स में बस मुझे कमेंट ज़रूर किया करें जो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि हमारी अटैचमेंट अच्छी बन जाए आपस में, ताकि मज़ा भी आए रिएक्शन करने का, ताकि हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें अपनी। सो मेरा म्यूज़िक सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप जाके सुन सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे। सो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी कलमिक फेम टॉक, लेट्स गो। Let's go. Fool, legend, bro, legend. Video start hi aise legendary tarike se hui hai. Okay. Fame talk. Yeah. Sami se upar dekho, flying only best class. Kala jadoo kare kalam, meri call it witchcraft. Kitne gaane likhe hi nahi, I do freestyle. Okay, guys, wait. मैंने ये वीडियो आने से पहले, ये जिस जगह पे वीडियो बनी हुई है, इस जगह का व्लॉग देख लिया, कलमिंक का व्लॉग देख लिया। लाइक कलमिंक ना किसी पंजाब में कहीं पे, तभी उस स्टार्ट में सिद्धू मूसेवाला। ओके ब्रो, मैंने देखा था कोई व्लॉग था किसी बंदे का, था यूट्यूबर का किसी का। सो उसने व्लॉग दिया हुआ था कलमिंक के साथ किसी स्टूडियो में जाके म्यूज़िक वीडियो शूट, म्यूज़िक वीडियो का तो नहीं मुझे पता था कि म्यूज़िक वीडियो वहाँ पे शूट होगी, बट वहाँ पे व्लॉग किया था कलमिंग के साथ उस यूट्यूबर ने। सो ओके, ये वहाँ पे वीडियो शूट हुई है। ओके गाइज, मैंने पहले से वो स्टूडियो देख लिया ऑलरेडी व्लॉग में। अगर आपने पहले से देख लिया था वो व्लॉग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ओके कितने गाने डाले ही नहीं फ्री स्टाइल, और कितने किए कितने पड़े ड्राफ्ट, वो सक्सेस के अलावा कुछ भी दिखे ही नहीं। होमिस और भी कवर्ड पूरी भी होमिस ब्रो, सिकंदर कालम, लेट्स गो यार। जी है यार, सिकंदर कालम जी है यार इस गेम का ब्रो। यार ये एमसी स्क्वायर ब्रो, आई थिंक हार मिल ये इस बंदे का व्लॉग था, इस यूट्यूबर का व्लॉग था जिसमें कलमिंग की वीडियो थी। यार मुझे ये जो सटा सट और वाली लाइन है ना, ये मुझे जब मैंने ऑडियो सुना था ना, तभी मुझे डाउट हुआ था कि लाइक जो तला अंजुम की एल्बम का गाना है ना, उसमें ये कुछ बार जैसे हैं गपा गप सटा सट, तो ये मुझे लगता है उससे इंस्पायर्ड हैं ये लाइंस, आई थिंक सो, लाइक मुझे लग रहा है ब्रो। और एक जगह पे खाना बदोश भी शायद से अपनी एल्बम में कलमिंक ने बोला था, तो लाइक काफ़ी ज़्यादा और स्टोरीज भी काफ़ी लगाता है कलमिंक के, तला अंजुम से काफ़ी इंस्पायर है। यार ये बहुत मुझे पूरी एल्बम में ये जो इस तरह के पार्ट्स, इस तरह का फ्लो के साथ पंजाबी के साथ सिंगिंग की है ना कलमिक ने, मुझे वाकई लिटरली बहुत पसंद आई है ये वाइब इसकी। बट एक मिनट, मुझे ना ये राइमिंग स्कीम मैच नहीं की, मुझे ऑडियो में भी ये फील हुआ था, बट वो ना मैं फ्लो में आगे गुजर गया। बट मुझे क्या यहाँ पे लगा कि फ्लैश लाइट मारा तेरे मुंह ते, तो ये वाली लास्ट वर्ड मैच नहीं किया, राइम नहीं किया, छून लई मुंह ते वो लाइक राइम नहीं करा। हम तो तुझसे गैर हैं पर फिर भी तेरा ख्याल ध्यान रखें। ओके okay.
सात साल का सिला था, ये भी तलंजुम के गाने की लाइन थी कि वो दस साल का सिला था कि पता नहीं क्या था, बल्ली और मैं था शायद, कौन सा गाना था वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट तलंजुम के गाने में ये लाइन थी ब्रो। MC Square ब्रो। ये लाइन मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी थी, लाइक अगर कोई लोफाई गाना भी फेंकू ना तो वो भी करे बैंग जानी। घोड़ा मेरा खोल के मुझे ऐसे ही नहीं बोलते जानी, जैसे दिखाऊं तुझे विजन, मेरा विजनरी टॉप वाला स्पॉट देख रहा है वो है जगह मेरी, पूरी टेबल करूं टर्न में, मैं पहले नीचे था पर देखा वो टॉप पे, पर नीचे बार बार रहूं क्योंकि गेम भी संभाल रहा है, नींद भी संभाल ली है। यार बहुत सही जा रहा है यार कलम इंक, बहुत बहुत सही जा रहा है ब्रो, लिटरली लाइक आने वाला टाइम जिसको आप कह सकते हैं कलम इंक का ब्रो। पर नीचे बार बार रहूं क्योंकि गेम भी संभालना है, नींद भी संभालनी है, तख्त भी संभालना है, सो व्हाट दिस मीन टू यू, यही ना कि मैं ही सब हूं, ये कैसा प्यार है कि दर्द सिर्फ मैं ही सहूं, जितना मैं ऐसा उसका आधा सह ले तू, यू गॉट मिली आई गॉट थ्री, उस पे इनटू टू इनटू फोर मेरा बैंक बैलेंस फाइव टाइम बाप प्राउड सिक्स टाइम मार, लाइक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की ये सीन होता है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जब पैसा कमाना शुरू करता है ना ब्रो, तो उसे पता होता है कि मैंने अकेले बैठ के खाना है ब्रो, कोई लेबल नहीं है बीच में, कोई मैनेजमेंट नहीं है ब्रो, सारा अपने पास ही है ब्रो। यार मजा आ रहा है ब्रो। यार ऑडियो पे भी मुझे ये लास्ट पार्ट बहुत खूबसूरत लगा था, लाइक कलम इंक बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता है। सो गाइस काफ़ी अच्छी वीडियो थी, बट मैंने ना वीडियो को लाइक उस तरह मैं शायद इंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ना मैंने जब व्लॉग देखा था ना तो मैंने हर चीज़ देख ली थी, शायद इसलिए ना लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने वीडियो देखी ही ऑलरेडी, बट गाने के साथ वीडियो बहुत प्यारी लगी है, काफ़ी गाना क्योंकि गाना मज़ेदार है, सो इस वजह से हमने प्रॉपर पूरी वाइब की है। सो आपको कैसा लगा रिएक्शन मुझे ज़रूर कमेंट बताना है, अगर आप यहाँ तक अभी तक देख रहे हैं तो ज़रूर आप सबको पसंद ही आया होगा, सो लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन से रैप इंडियन हिप हॉप सॉन्ग्स पे हम रिएक्शन करें, हम ज़रूर करेंगे क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट भाई सब हम पूरी कर रहे हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नहीं हैं, और मेरा म्यूजिक सुनना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच गाइस, और भी कुछ होगा तो जरूर आपसे बातें करेंगे आगे अगली वीडियोस में, तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, पीस, बाय बाय।